गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो बेटा, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है. आई होप आप लोगों को आ गया होगा समझ में, लेकिन एक बार और हम उस चीज़ को समझते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है फिर से. अगर नहीं आया हो तो एक बार और देख लें. ओके, सो कम टू द पेज नंबर 25, एक्सरसाइज 3.1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया, अभी हमें कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 65, 117, यानी कि 117 एंड 273. इसका बेटा क्या करना है? हमें फैक्टराइजेशन करना है. ठीक है, जैसे HCF हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन का फाइंड आउट किया था ना, वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स सी एट द बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, एट द बोर्ड यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 65, 117 एंड 273. अब बेटा हम इसको क्या करेंगे? इसका HCF फाइंड करेंगे. ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं. लेट्स सी, 65. सबसे पहले यहाँ पे 5 क्या है बेटा? ऑड है या इवन है? 5 ऑड नंबर है. तो क्या हम 2 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है तो हम ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 को स्किप करेंगे, देन 3 से ट्राई करते हैं कि 3 से होता है या नहीं. सो 3 से अगर हम 3 ones are 3, 3 twos are 6 हो गया, देन 3 के टेबल में 5 आता है क्या, या 5 से कम? 3 ones are 3, 3 twos are 6 हो जाएगा. तो 2s आ जाएगा क्या? नहीं, 3 ones are. तो 1s में जब हमने दिया तो क्या आ जाएगा बेटा? अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आया? 2. तो यहाँ पर तो 2 अभी भी बच रहा है ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, तो 3 से भी नहीं जाएगा. हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे 65 कंप्लीट, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. तो अब हम क्या करेंगे? 3 के बाद 4 ट्राई करो. 4 जाएगा क्या? क्योंकि वो तो ऑड इवन नंबर हो गया ना. देन अब किससे जाएगा? 5 से चेक करें. 5 से चेक करते हैं. 5 से चेक कीजिए. 5 ones are 5. 5 से चेक कर लेते हैं. 5 ones are 5. रिमेनिंग 15. अब यहाँ पे 15 हो गया, तो 5 के टेबल में 15 आता है क्या? यस. हाउ मेनी टाइम्स? 3. 5 threes are 15. नाउ अब 13. 13 fives are 65. होता है 13 fives are 65, मीन्स ये इसका डिवाइड कंप्लीट चला गया. अब 13 किसके टेबल में आता है? 13 किसके टेबल में आएगा? यस, 13 तो 13 की टेबल में आएगा. तो 1, 3, 13. 13 की टेबल में बेटा 13 कितनी बार में आएगा? 1 time. सो विल मेंशन हियर 1. तो इस तरह से हमने 5 ones are 5, रिमेनिंग कितना रहा? 1. तो ये कितना हो गया? 1 5 15. तो अब 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आएगा? 3 बार में. तो 5 threes are 15. फिर 13 कितनी बार में आएगा? कौन से टेबल में आएगा 13? 13 तो 13 के टेबल में आएगा. तो क्या किया हमने यहाँ पे? 13 ones are 13. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट में क्या है बेटा? 117. अब 7 ऑड है या इवन है? 7 ऑड है, तो 2 से तो हम चेक करेंगे नहीं, देन हम 3 से चेक कर लेते हैं. चलो 3 से चेक करो. 3 से सॉल्व करते हैं हम. ओके, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, लेकिन 3 fours are 12 हो जाएगा, 11 से ज़्यादा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे बेटा? 3 threes are 9, 3 threes are 9. 11 में से 9 गए तो 10, 11 में से 9 गए तो 10 और 11, 2. देन यहाँ हो गया 27, रफली यहाँ लिख. देन अब हमारे पास क्या हो गया? 27 रिमेनिंग है. 3 threes are 9, 11 में से 9 गए, रिमेनिंग 2. 2 हमने यहाँ पर लिख लिया. ठीक है, अब 3 के टेबल में बेटा 27 कितनी बार में आएगा? 9. 3 nines are 27. ये बेटा 2 हमने रफली लिखा है समझने के लिए केवल. ठीक है, जब आपको समझ में आ जाए देन इरेज कर दें आप इसको. ओके, रफली आप नोट कर ले कि हमको अगला टर्म देखना है कि अब हमें क्या चाहिए. 7 नहीं, 27 चेक करना है. ठीक है, तो 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आया. ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे? अब 39
अब फिर से थ्री से चेक किया है, देन फिर से थ्री से चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, देखते ही जाता है या नहीं जाता है, तो फिर से हमने थ्री से चेक किया। अब थ्री के टेबल में बेटा थ्री आता है क्या? यस, कितनी बार में? वन टाइम, सो विल राइट हियर वन। देन थ्री के टेबल में नाइन, थ्री थ्री इज़ अ नाइन, थर्टीन, ये इसके जैसा हो गया अब, थर्टीन थर्टीन। तो बेटा थर्टीन की टेबल, थर्टीन किस में आता है? थर्टीन, थर्टीन की टेबल में आता है, सो थर्टीन कितनी बार में आएगा? वनजा। तो जब तक वन नहीं आ जाता है तब तक आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, थ्री की टेबल थ्री, थ्री ज़ा नाइन, इलेवन में से नाइन गए, टू बचे। देन अब हम यहाँ देखेंगे 27 के लिए, सिर्फ आपको बेटा डिवाइड करना है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं? केवल डिवाइड कर रहे हैं। ओके, देन थ्री, अब 39 हो गया, तो थ्री वनजा थ्री और थ्री थ्री ज़ा नाइन, यानी कि 39 में हमने थ्री का क्या किया? डिवाइड किया। तो कितनी बार में जाएगा वो? 13 टाइम्स में जाएगा। अब 13 में हम क्या कर रहे हैं? 13 का डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार में जाएगा? वन टाइम में। ओके, जब भी आपको देख लो, यहाँ पे ऑड है तो हमने ऑड नंबर से स्टार्ट किया, यहाँ पर भी ऑड है तो हमने ऑड से स्टार्ट किया, तो ऑड और इवन आप ऐसे देख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 273। अब 273, थ्री है लास्ट में, तो किससे चेक करेंगे हम? थ्री से चेक कर लेते हैं, थ्री से चेक करें, थ्री से चेक कर लेते हैं। थ्री वनजा थ्री, अब हमें किसके लिए देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टू है, तो थ्री बड़ा है या टू बड़ा है? थ्री बड़ा है ना, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को साथ में देखेंगे। ओके, ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड में भी हम। नाउ थ्री, अब थ्री के टेबल में 27 कितनी बार में आएगा? कितनी बार में आया थ्री के टेबल में 27? नाइन टाइम्स में आया है, यस, तो नाइन। ओके, 27 वाला हो गया। अब थ्री को चेक करो, थ्री के टेबल में थ्री आता है क्या? ऑब्वियसली आता है, हाउ मेनी टाइम्स? वन, सो विल राइट हियर वन। ओके, अब फिर से थ्री से चेक करें क्या? अब थ्री थ्री इज़ अ नाइन, थ्री थ्री इज़ अ नाइन, ये तो जा सकता है, लेकिन थ्री के टेबल में बेटा वन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? थ्री के बाद फोर, फोर तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, यहाँ पे वन ऑड नंबर है, तो फाइव चेक कर लेते हैं, फाइव से चेक करते हैं, तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा तो टेन हो जाएगा, तो फाइव वन ज़ा, चलो चेक करके बता देते हैं, ठीक है, फाइव वन ज़ा फाइव, वन ज़ा फाइव, तो फाइव में नाइन में से जब फाइव गए, नाइन में से फाइव गए तो रिमेनिंग फोर, सो फोर यहाँ लिखा हमने, तो 41, फाइव के टेबल में 41 आता है क्या? नहीं आता है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर किससे चेक करेंगे बेटा? अब हम फाइव हो गया, सिक्स से तो करेंगे नहीं, देन सेवन से चेक करते हैं। नाउ सेवन से चेक कर लें अब हम, ठीक है, सेवन से चेक कर लेते हैं, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा 14, नाइन से ज़्यादा हो जाएगा, तो सेवन वन ज़ा सेवन, वन ज़ा सेवन, सेवन नाइन में से बेटा सेवन गए तो कितना रिमेनिंग हुआ? टू, मीन्स 21। अब हमें क्या देखना है? सेवन के टेबल में 21 आता है क्या? चेक करो, यस, कितने टाइम्स में? थ्री टाइम्स में, सेवन थ्री ज़ा 21। ओके, देन अब फिर से 13 आ गया, तो 13 तो 13 की टेबल में ही आएगा। ओके, सो वन थ्री 13, वन टाइम में जाएगा। चेक कैसे करेंगे सही है या गलत है? 13 वन ज़ा 13, 13 सेवन ज़ा 91। ओके, 91, आप भी ऐसे रफली लिख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, मैडम ये आपके लिए लिख रही हैं। ओके, नाउ 91 थ्री ज़ा 273, फिर ऐसे ही नीचे से यहाँ से चेक करो, 13 वन ज़ा 13, 13 थ्री ज़ा 39, 13 थ्री ज़ा 39 थ्री ज़ा 117। नाउ 13 वन ज़ा 13, 13 फाइव ज़ा 65। सो बेटा ये है फैक्टराइजेशन मैथड, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया। सिर्फ आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चेक करनी है, नंबर में जो है वंस प्लेस पे है, ऑड है या इवन। चेक करने के बाद जब आपने वंस प्लेस बेटा चेक कर ली कि यहाँ पे ऑड है या इवन है, आपको ये समझ में आ गया, देन सेकंड क्या ध्यान रखना है हमें कि जिससे भी हम आप डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या जाना चाहिए? कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए, रिमाइंडर जो बचता है वो नहीं बचना चाहिए, टोटल डिवाइड होना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बस सिंपली ऐसे ही आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, देन वन वन वन, जब तक वन नहीं आ जाता नीचे तब तक आपको डिवाइड करना है। देन आफ्टर दैट, अब डिवाइड हो गया, देन हमें फाइंड करना है कि कॉमन क्या है इसमें, क्योंकि वही हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ वही होगा ना, तो अब क्या करेंगे हम?
अब हम करेंगे इसमें 65, देन 65 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ बेटा, 65, 5 इंटू 13, ना 117 का क्या हुआ, 117 का 3, 13, सो 3 इंटू 3 इंटू 13, ओके ना 273 क्या हुआ, 3 इंटू 7 इंटू 13, सो बेटा कॉमन क्या है, कॉमन ही होता है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है क्या इसमें, नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 तो हो ही नहीं सकता है। 13 चेक कर लेते हैं, 13 है इसमें, यस है, इसमें है क्या, यस है, इसमें यस है, यानी कि 13, और भी कुछ, और तो कुछ है ही नहीं। 7 तो सिर्फ इसी में है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसके बाद हमको ऐसा नंबर ढूंढना है, 13 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि तीनों में वो होना चाहिए, तो 13, सो आपका 13, तो HCF क्या हुआ बेटा, HCF इज इक्वल्स टू 13, और 1 भी तो आ रहा है यहाँ पे, 1 भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 13 में 1 का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 13 आएगा, ओके। अगर आप यहाँ चाहो तो ये 1 भी मेंशन कर सकते हो, वैसे 1 तो अंडरस्टूड होता है, आप करो या ना करो, ठीक है। तो 13 वनजा, यानी कि 1 भी कॉमन आ गया, तो 13 में जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना है, 13 ही आना है, क्योंकि 13 में किसी भी नंबर का, आई मीन 1 में जब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वो नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद ही एज इट इज आता है, ओके। तो HCF क्या आया बेटा हमारा, 13, क्यों आया 13, क्यों, क्योंकि 13 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या आया हमारे पास, 13, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके बेटा। तो बेटा इन दैट मैनर आपको बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आपको आ रहा, अब तक तो आ ही गया होगा, क्योंकि करना क्या है, सिर्फ हमें डिवाइड ही तो करना है, ओके। नाउ थैंक यू।